युवक कांग्रेस के बैनर तले फारूक भाई के आह्वान पर पूर्व विधायक कैलाश कुंडल के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार युवकों ने नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर विरोध स्वरूप बस स्टैंड भारत माता चौराहे पर ठेला गाड़ी पर पकौड़े तल कर देश के प्रधानमंत्री की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए नारेबाजी की एवं पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवा पीढ़ी बेरोजगार है, परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, नोटबंदी लॉकडाउन में सरकार की नाकामियां उजागर हो गई है। नरेंद्र मोदी ने जनता से झूठ वादे कर देश की जनता के साथ विश्वासघात किया। इसी के विरोध में स्वरूप युवाओं ने प्रधानमंत्री जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाया। नागरिक बंधुओं, देख लो युवाओं की हालत, पकौड़े तलने के लिए मजबूर कि मोदी जी कुछ तो करो शर्म, और युवा बेरोजगार बेच रहे हैं पकौड़े पकौड़े पकौड़े। समाचार पत्रों में इस बात का संदेश दिया गया था भारत सरकार के द्वारा कि यह देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है। आज युवा कांग्रेस के लोगों ने उसे एक धिक्कार दिवस के रूप में मनाते हुए, बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए आज कन्नौज बस स्टैंड पर पकौड़े की दुकान लगाकर बेरोजगार लड़के पकौड़े तल के लोगों को खिला रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि मोदी जी मन की बात इतनी बार कर चुके हैं लेकिन बेरोजगारों के बाद मन की बात कभी नहीं करी। नोटबंदी के बाद कितने लोग बेरोजगार हुए ये कभी नहीं बताया। GST के बाद कितने लोग बेरोजगार हुए ये कभी नहीं बताया। कोरोना काल में कितने लोग मर गए जो बेरोजगार हुए ये नहीं बताया। कितनी इंडस्ट्रियाँ बर्बाद हो गई, कितने लोग मर गए ये नहीं बताया। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम पे भरोसा करो, हम जो आपके रोजगार देंगे। रोजगार देंगे कहाँ से, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है। तो मैं छोटा सा उदाहरण, देवास जिले के अंदर 17 सितंबर 2020 तक 64,834 लोग बेरोजगार पंजीकृत हैं। 64,834 लोग देवास जिले के कार्यालय में पंजीकृत हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि इधर बेरोजगार घूम रहे हैं लड़के, और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जो यशस्वी ग्रुप के नाम से ग्रुप चलाते हैं, भोपाल के हैं, उन्होंने 15 जिलों का ठेका ले लिया है। जो कार्यालय जिला रोजगार कार्यालय तक मात्र बने हुए हैं सिर्फ दिखाने के लिए। वहाँ पे बाबू के पास कोई काम नहीं है, जिला रोजगार का अधिकारी के पास कोई काम नहीं है, सारे काम यशस्वी ग्रुप वाले करते हैं। अब आप लोग जोड़िएगा, एक लड़का जो बेरोजगार होता है पंजीकृत कराने में लगभग 250 रुपया उसका खर्च होता है। अब 64,000 लोगों से भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के जो नेता हैं, जो इस ग्रुप को संचालित करते हैं, जो RSS के नेता हैं, उन्हें कितना पैसा देवास जिले से वसूल कर लिया होगा। और ऐसे 15 जिले हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो रोजगार दिया जा रहा है लेकिन आम बेरोजगार लड़के जो हैं आज भी सड़क पे घूम रहे हैं। ये निश्चित रूप से मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए शर्म की बात है। आपकी चैनल के माध्यम से आज मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मोदी जी या उनका कोई प्रवक्ता ये बता दें कि पिछले 6 साल में हमने कितने लोगों को रोजगार दिया और देश में कितने लोग बेरोजगार हुए, और बेरोजगार युवकों के लिए मोदी जी सरकार का क्या प्लानिंग है, क्या योजना है।